हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वी आर लाइव वंस अगेन बच्चा, अन अकेडमी नीट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फिर से आज हम मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज लेकर आए बच्चा, रैंक बूस्टर क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बशर्ते बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ तैयार करवाई जाती है। तो मॉडल टेस्ट पेपर को स्टार्ट करें बच्चा, और काफ़ी खूबसूरत चीज़ों के साथ हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे, यू विल लव इट बच्चा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है जिनको पढ़कर लगेगा कि सर कैसे करें, लेकिन है बहुत आसान, बहुत मज़ेदार से सवाल होने वाले हैं, ठीक है। तो सारे दोस्तों तक ये खबर पहुंचा देना आज पहली बात तो, ठीक है, ताकि सब लोग इसका एंजॉय कर सकें, मज़ा कर सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन विद दिस टॉप टीम ऑफ एन अकेडमी नीट, जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं, यहां पर आपको मिलते हैं डॉक्टर सचिन कपूर सर, अनूप वशिष्ठ सर, जिन्होंने एम्स, AIPMT, DPMT तीनों में ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है बच्चा, एंड अलॉन्ग विद दैट महेंद्र सिंह दिस साइड बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट विद मोर देन 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। I have been teaching, मतलब यहां पर बहुत सारे रैंक मैंने प्रोड्यूस करी है बच्चा। सो अब बारी आपकी है। अन अकेडमी नीट ऑफिशियली हमारा इंस्टा हैंडल है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसको फॉलो करके भी आप चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पा सकते हैं बच्चा, ठीक है। काफ़ी सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टेलीग्राम का ये बेहतरीन आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए बच्चा, इस ऐप के जरिए आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में tinyurl.com/neetlivechat, इस URL को आप अपने फ़ोन के ब्राउजर में ज़रूर इंटर करें और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे, ठीक है। tinyurl.com/neetmobile इज अनदर ग्रेट फीचर बच्चा, जो आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करता है, वॉट एवर सिलेबस यू रिक्वायर, कंप्लीट इंडेक्स इज अवेलेबल बच्चा, ठीक है। उसी के साथ साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज द पाथ ऑन विच इफ यू वॉक देन डेफिनेटली विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। यहाँ पर कंट्री के टॉप एजुकेटर लाइव क्लासेस लेते हैं बच्चा, यू कैन चैट विद द एजुकेटर, जो भी क्वेरी आपकी ड्यूरिंग द क्लास है आप पूछ सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरेक्टिव पोल्स भी यहां पर होते रहते हैं बच्चा, टेस्ट सीरीज एंड देयर एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है जो किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम हिस्सा है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहां पर मिल जाती है बच्चा, ठीक है। आपके ऑल टाइम फेवरेट गॉड ऑफ बायोलॉजी डॉक्टर सचिन कपूर सर वहां पर है, अनूप वशिष्ठ सर वहां पर है, मैं हूं वहां पर, हमारी पूरी कोर टीम वहां पर है आपको सपोर्ट करने के लिए, यू जस्ट कम अप गाइज, राइट। सो अन अकेडमी का ये लर्निंग आप इंस्टॉल कर लीजिए बच्चा, और इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन, सेलेक्ट नीट कैटेगरी, देन गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहां पर नजर आते हैं, गैंग ऑफ 2021 जिसके लिए ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द बैच बच्चा, ठीक है, उसमें एनरोल कर लीजिए। मंडे से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो देर मत करो, जल्दी करो, ठीक है। एंड 2022 वाले जो बच्चे हैं दे शुड गो विद 2 ईयर सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड MSLive, इसको अप्लाई जरूर कर देना है ताकि आप डिस्काउंट का बेनिफिट ले सके, और साथ ही साथ आप और भी चीजों के बेनिफिट ले सके। तो वन एंड ओनली MSLive। नाउ मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में बात करते हैं बच्चा, रैंक बूस्टर क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ साथ पेन और पेपर निकाल लीजिए आप लोग, तैयारी करेंगे, थोड़ा सा वक्त मैं आपके साथ दूंगा, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन कहां तक पहुंचता है, कितने तेजी से पहुंचता है, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर आप चलिए जरा देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, राइट। स्क्वायर एल्यूमिनियम रोड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड 5 mm ऑन एज, वॉट मस्ट बी द रेडियस ऑफ द अनदर एल्यूमिनियम रॉड हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड विच हैज द सेम रेजिस्टेंस एज द प्रीवियस रॉड। कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का, 12th standard में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है बच्चा कि R इज इक्वल टू क्या होता है, और कैसे हम यहां पर चीजों को क्या कर सकते हैं, बकअप कर सकते हैं बच्चा, राइट जी। चलिए तो फटाफट पेन और पेपर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, आई होप यू एंजॉइंग द क्लास बच्चा, और मजा आ रहा है आपको, राइट जी। चलिए सो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत आसान सा तरीका, आई होप कि आप सब लोगों का आंसर आया होगा, बहुत आसान है, वी नो दैट, हमें पता है, और क्या कहानी पता है बच्चा, तो वी नो दैट वन बेसिक सा फंडा एंड दैट इज व्हाट, है ना, वी नो दैट, और वो क्या है बच्चा, वो बात ये है कि सर रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू में क्या होगा आपका एल बाई ए, ये बात हम जानते हैं, रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस फंडा इज नोन टू अस, ओके। तो जब यहां पर आप क्या करेंगे बच्चा, स्क्वायर एल्यूमिनियम रॉड, पहला कौन सा केस है बच्चा जी, पहला केस है कि सर आपका स्क्वायर एल्यूमिनियम रॉड है, तो आप लिखेंगे सर उसके लिए रेजिस्टेंस आर वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगी रो, ये हो जाएगी लेंथ, और यहां पर आप क्या लिखेंगे सर उसका एरिया हो जाएगा ए वन, और स्क्वायर है इसलिए ए स्क्वायर, साइड हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात आप यहां पर करेंगे सर बी वाले ऑप्शन के लिए, फॉर सर्कुलर रॉड, कौन सा वाला बच्चा, तो सर्कुलर एल्यूमिनियम रॉड है, तो सर्कुलर का एल्यूमिनियम रॉड है बच्चा, सो उसके लिए रेजिस्टेंस आप आर टू लिखेंगे, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा लेंथ एल, और डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कंडीशन,
कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, R1 इज इक्वल्स टू R2 होगा. जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा बच्चा, तो हम यहां पर लिख देंगे कि सर रो इंटू में एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू में एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. रो एल कैंसिल बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है, सेम मटीरियल की है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा. तो यहां से सॉल्व करने पर आर का वैल्यू आ जाएगा बच्चा ए डिवाइडेड बाय रूट पाई. सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा बच्चा? A डिवाइडेड बाय रूट पाई. A का वैल्यू आपको दिया हुआ है सर 5 mm, पाई का वैल्यू हम जानते हैं सर 3.14 होता है. सो जब आप इस सारे मसाले को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर एक आंसर मिलेगा एंड दैट विल बी कितना बच्चा? तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 2.8 mm. सॉल्व करने पर ऑप्शन सी यू विल गेट. ठीक है, तो एक अलग तरीके से रेजिस्टेंस का एक अलग क्वेश्चन पूछा है. आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें. तो इस तरह का वेरिएशन अगर आपको आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में मिलता है तो आप परेशान नहीं होंगे. ठीक है जी, चलिए. सो सिंपल सा फंडा था बच्चा, क्लियर हुई बात? अगला सवाल देखते जरा, पढ़ते क्या बोल रहा है. अ टाइगर चेजेस अ डियर 30 meters अहेड ऑफ इट एंड गेन्स 3 meters इन 5 seconds आफ्टर चेज बिगिन. ओके, द डिस्टेंस गेन्ड बाय द टाइगर इन 10 seconds इज. ठीक है जी, टाइगर चेजेस अ डियर 30 meters अहेड ऑफ इट, 30 meters आगे है और बोला कि इट गेन्स 3 meters इन 5 seconds. ओके, आफ्टर द चेज बिगिन द डिस्टेंस गेन्ड बाय द टाइगर इन 10 seconds. तो ये जो बीच की डिस्टेंस दी है शायद ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन हो. कुछ करना ही नहीं है यहां पर, बहुत आसानी से कैलकुलेशन की जा सकती है, बहुत सिंपल से आंसर लाया जा सकता है. ठीक है, तो देखिए जरा मूव ऑन करके कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसका आंसर ला सकते हैं. टाइगर आपका पीछे है, डियर आगे है. ठीक है, और टाइगर जो है चेज करना स्टार्ट कर रहा है. टाइगर जो है क्या कर रहा है बच्चा? चेज करना स्टार्ट कर रहा है ना. आफ्टर द चेज बिगिन, बिगिन मतलब शुरुआत, U is equals to initially zero हुआ होगा, राइट कहीं पर. सो द फंडा इज अगर यहां पर आपका टाइगर है बच्चा, ठीक है, और यहां पर कहीं आपकी डियर है डी, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन दोस थ्री थिंग इज कितना? 30 meters. चलिए, तो यहां पर टाइगर बिगिन करता है बच्चा, लेट अस सपोज दैट इट्स बिगिन एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो. बिगिन कर रहा है मतलब यहां पर चेज कितना है बच्चा? यू इज इक्वल्स, बिगिन कर रहा है मतलब यू इज इक्वल्स टू जीरो ले लीजिए. राइट, बहुत बढ़िया. तो अलग अलग मैथडोलॉजी से सॉल्व किया जा सकता है. काइनेमेटिक्स का कभी भी क्वेश्चन हो बच्चा, बहुत आसानी से और बहुत अलग अलग अप्रोच हो सकती है. सो द फंडा इज अगर मैं यहां पर देखूं तो जो टाइगर है इट कवर्स, टाइगर क्या कर रहा है बच्चा? इट कवर्स 3 meters. कितना बच्चा? इट कवर्स 3 meters. और टाइम कितना लेता है बच्चा? टाइम लेता है 5 seconds. टाइम कितना लेता है बच्चा? 5 seconds इज ट्रेकिंग, राइट जी, बहुत बढ़िया. सो द फंडा इज अगर ये 5 seconds ले रहा है तो आप यहां पर बोलेंगे सर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाला फंडा लगा दीजिए. तो आप यहां पर बोलेंगे सर यू टी इज इक्वल टू जीरो. डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है बच्चा? 3 meters. यहां पर कितना हो जाएगा सर? हाफ. ए का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपको यहां पर 25 हो जाएगा. 5 का स्क्वायर करेंगे ना बच्चा, तो टी स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा. सो ए का वैल्यू सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा सर इट कम्स आउट टू बी 6 divided by 25. ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 6 divided by 25. यहां से अगर आप देखते हैं सर तो बोल रहा है कि यहां से जब वो 10 meters चलेगा कितना चलेगा बच्चा? रेड वाली लाइन से आपको दिखाया गया जब वो चलेगा टाइगर 10 meters. सो इन द 10 meters उसको सॉरी 10 seconds यार, माफ करना बच्चा, यहां पर क्या दिया हुआ है? दिस इज 10 seconds एक्चुअली. जब वो 10 seconds के लिए चलेगा स्टार्टिंग से ही तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? बढ़िया बात है. तो यहां आप लिखेंगे कि सर उसके लिए सिंपल सा फंडा मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू अगेन से हाफ ऑफ 80 square. कुल मिलाकर एस मुझे कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा सर हाफ. ए का वैल्यू हो जाएगा 6 divided by 25. ये हो जाएगा सर 10 का whole square. कुल मिलाकर दैट कम्स आउट टू बी सर ये हो जाएगा 6 divided by 2. ये हो जाएगा सर आपका 100 divided by 25. दिस इज आपका 4. और अगर आप इसको देखेंगे सर 2, दैट कम्स आउट टू बी 12 meters. कितना आ जाएगा बच्चा? 12 meters. 12 meters मतलब कितना डिस्टेंस? अगर वो 5 seconds में 3 meters चल रहा है तो 10 seconds में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बच्चा? 12 meters ट्रेवल कर लेगा. तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ भी हो सकती है क्योंकि आपको पता है नीट और एम्स को मर्ज किया गया है.
तो ऐसे क्वेश्चंस जो शायद आपने पहले कभी कहीं नहीं देखे होंगे, ऐसे आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। दीज क्वेश्चंस आर न्यू टाइप क्वेश्चंस। बच्चा क्या कहना चाहिए इन क्वेश्चंस को? देखो, आपका जो पर्टिकुलर सेगमेंट होता है ना पेपर का, उस पेपर में होती है खिचड़ी, उसमें नए तरह के सवाल, आपने जो पहले से करे होते हैं वैसे क्वेश्चंस, थोड़े से अच्छे सवाल, थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह का मिक्सचर होता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सारी चीजें हमें पता है, कैसे सॉल्व करना हमें पता है, लेकिन तरीका बदल दिया, पूछने की लैंग्वेज चेंज कर दी, तो शायद हम वहां पर फंस सकते हैं बच्चा। तो वही तैयारी आपको यहां पर करवाई जा रही है, आप नहीं फंसोगे, ये वादा है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए जरा स्क्रीन पर आपके सामने। अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 80 मीटर्स, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज इन मीटर इज। चलिए बहुत बढ़िया, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। H और R का रिलेशन अगर आपको पता होगा तो उससे भी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे, मैं कभी भी H और R के रिलेशन को यूज नहीं करता। R इज इक्वल टू 4H cot theta, उस रिलेशन को यूज नहीं करते, क्योंकि यार ठीक है क्या क्या याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे। सो बेहतर है कॉन्सेप्ट्स पता हो, याद रखने वाला काम थोड़ा कम हो तो चलेगा, ठीक है। कम ऑन, फास्ट मूव ऑन करते हैं। तो देखो, आपको पता है कि सर जब भी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जाती है ना, और जब भी कभी किसी पार्टिकल को ऐसे किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है, वो ऐसे जाता है और कहीं पर जाकर वापस लैंड करता है। जहां लैंड करता है उस डिस्टेंस को हम यहां पर बोलते हैं सर रेंज, दिस इज आपका आर, ठीक है। और यहां पर होती है सर मैक्सिमम हाइट, दिस इज आपकी एच। हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर जो आर होता है उसका फॉर्मूला होता है सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये होता है बच्चा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। और आपको ये भी पता है कि सर आर के, आर मैक्सिमम होने के लिए साइन टू थीटा का वैल्यू 1 होना जरूरी है, जिसके लिए थीटा का वैल्यू 45 होना जरूरी है। सर नो, थीटा का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए बच्चा? 45। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूछा है अच्छा, और मैक्सिमम आर मैक्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज आपको 80, और जो कि होगा बच्चा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के बराबर। यस और नो, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 80, विच इज मैक्सिमम रेंज। अब पूछा है कितना मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा। सो मैक्सिमम हाइट अटेंड की अगर आप बात करेंगे तो सर एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर, आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपको लिखना पड़ेगा 2g। तो कुल मिलाकर थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे। सो एक फंडा पता चलता है कि सर 1/2 ये हो जाएगा सर आपका यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, समझ गए होंगे? ऐसा लिखने के पीछे कारण ये है कि सर यहां पर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g का वैल्यू 80 यहां से उठाकर पुट कर दूंगा। यस और नो, एंड द फंडा इज ये हो जाएगा सर आपका साइन 45 और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। सो आप यहां पर बोलेंगे सर दिस इज 1/2, ये हो जाएगा सर आपका 80, और साइन 45 मतलब 1/√2 उसका स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा सर आंसर 20 मीटर। आंसर कितना हो गया बच्चा? 20 मीटर। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आपको यहां पर कॉन्सेप्चुअली भी एक्सप्लेन करके बता दिया गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू 4h cot theta, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एज वेल, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बात करते हैं अगले सवाल पर बात करते हैं। पेन और पेपर आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है, एंड आई होप यू एंजॉय द क्लास बच्चा, और आपको मजा भी आ रहा है कि हाँ सर ऐसे इतनी प्रैक्टिस करी हमने लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 m/s² इन द कार, इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम मास देन द एक्सेलरेशन वुड बी बच्चा। एक डब्बा है जिसको आप खींच रहे हैं और वो डब्बा दूसरे डब्बे को खींचने लगे, सेम मास का, मास डबल हो जा रहा है, फोर्स यहां पर सेम है। एक गाड़ी अगर ऐसे चल रही है जिसके ऊपर आपने लगाया फोर्स एफ, उसका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 6 m/s², सपोज इसका मास एम है तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा सर आपका एम ए, ठीक है जी। अब अगर आप इस डब्बे के पीछे एक और डब्बा लगा दोगे तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये भी एम है ये भी एम है, तो सिस्टम हैज डबल मास बच्चा। फोर्स तो सेम है, ट्रैक्टिव एफर्ट सेम है, जो गाड़ी अपने आप में चल सकती है। देखो यार, फील करो जरा ऐसा, अगर एक गाड़ी सड़क पर आप चलाओगे, रोड पर अगर आप चलाओगे तो बहुत स्पीड से चल सकते हैं, लेकिन अगर उस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी अगर आप लगा दोगे तो मास बढ़ जाएगा, उतनी स्पीड से नहीं चल सकते विद द सेम ट्रैक्टिव एफर्ट बच्चा। तो यहां पर आप बोलेंगे सर एफ कॉन्स्टेंट है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, आप यहां पर लिखेंगे सर कॉन्स्टेंट है ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द कार। सो आपको लिखना पड़ेगा सर
अगर मास यहां पर क्या हो रहा है सर, मार्स बिकम ट्वाइस, मास डबल हो जा रहा है, एम प्लस एम, तो मास अगर डबल हो जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर जी जो एक्सेलरेशन है ना वो आधा हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा सर ए प्राइम विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आया समझ में, मजा आया बच्चा? तो कैसा सवाल था? प्यारा सवाल था, लेकिन प्यारे सवाल को तरीका लगाकर खत्म कर दिया, ठीक है। एफ रिमेंस कॉन्स्टेंट, एम ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मास डबल हो रहा है तो एक्सेलरेशन को हाफ होना पड़ेगा, दैट इज द सिंपल सा फंडा। तो इनिशियल एक्सेलरेशन अगर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, फाइनल एक्सेलरेशन विल बिकम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द सिंपल सा वे, राइट। और बात करते हैं आगे, मैंने क्या कहा था कि आज के सेशन में कुछ अनोखे सवाल होंगे, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड है, प्यारी प्यारी स्लाइड्स हैं, एनसीईआरटी का बैकग्राउंड लिया हुआ है, दैट्स द फंडा इज कि एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है बच्चा, और अच्छे सवाल बनाने की कोशिश की गई है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिन्हें कहते हैं, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर फीजन ऑफ ए यूरेनियम एटम एट रेस्ट, यूरेनियम एटम का फीजन बच्चा 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। व्हेन अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड विद द यूरेनियम जो कि रेस्ट पर है, तो वो क्या कर जाता है सर, आपके बेसिकली क्रैप्टन में और ठीक है बोरॉन और क्रिप्टन में क्या करता है बच्चा, वो बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जो भी हाईली अनस्टेबल एलिमेंट होता है वो ब्रेक होकर स्टेबल एलिमेंट्स की तरफ अचीव करता है, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो विथ मास नंबर्स A1 एंड A2, है ना, यहां पर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं बच्चा, दिस इज मास नंबर A1 एंड दिस इज मास नंबर A2, आर प्रोड्यूस्ड अ गुड एस्टिमेट ऑफ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द फ्रेगमेंट्स K1 डिवाइडेड बाई K2 इज। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करो, ये यूरेनियम के साथ जोड़ दिया कहानी ताकि आपको कंफ्यूज करे, मास नंबर्स मतलब बेसिकली मास के बारे में बात कर रहा है। तो एक पार्टिकल अगर आपके पास ऐसा है बड़ा सा, जो कि इनिशियली कहां पर था बच्चा, रेस्ट पर था, मोमेंटम उसका इनिशियली जीरो होगा, ठीक है। अब ये दो टुकड़ों में टूटा, ये दो टुकड़ों में टूटा, फीजन हुआ, क्या हुआ बच्चा, फीजन हुआ, और फीजन की प्रोसेस में ये दो टुकड़ों में टूटा, एक टुकड़ा यहां बना, एक टुकड़ा यहां बना। इसका जो मास M1 है जिसको आप A1 कहेंगे, इसका जो मास M2 है उसको आप यहां पर A2 कहेंगे, ठीक है। मास है ना, मास नंबर्स मतलब वो बेसिकली मास के बारे में बात कर रहा है। नाउ आप अगर बात करेंगे तो सर इट विल मूव विथ वेलोसिटी V1, इट विल मूव विथ वेलोसिटी V2, इट हैज काइनेटिक एनर्जी K1, इट हैज काइनेटिक एनर्जी K2। अच्छा एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, सॉरी मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा बच्चा, मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी है, सो वी नो दैट, हमें एक यहां पर कॉन्सेप्ट पता है, और वो कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने कि इस तरह के क्वेश्चंस को उड़ाना कैसे है एग्जाम में बैठकर। सो वी नो दैट कि सर जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज P² डिवाइडेड बाय 2, यही फंडा होता है। मतलब आप लिखेंगे सर जो K है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब तो कांस्टेंट है, भाई मोमेंटम तो कांस्टेंट है क्योंकि फीजन का प्रोसेस है, रखे रखे पार्टिकल ब्रेक हुआ है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द मास। अगर काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द मास है तो आप लिखेंगे सर K1 डिवाइडेड बाय K2 जो रिक्वायर्ड रेशियो है दैट विल बी क्या हो जाएगा बच्चा, M2 डिवाइडेड बाय M1 दैट इज आपका A2 डिवाइडेड बाय A1, यस और नो? मैंने यही तो लिखा, M2 मतलब A2, M1 मतलब A1, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, A2 डिवाइडेड बाय A1, दैट मींस इट कम्स आउट टू बी कितना, तो आप बोलेंगे सर इट कम्स आउट टू बी आपका ऑप्शन फर्स्ट, अंडरस्टूड। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया एक तरह से कोलिजन का, और उस कोलिजन के क्वेश्चंस में ऐसे सवाल आपने बहुत सारे किए हैं, लेकिन यहां पर यूरेनियम पार्टिकल का नाम लेकर जोड़कर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अगला सवाल इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया है आपके सामने, रीड द क्वेश्चन, इन द सर्किट सॉन इन द फिगर द करंट थ्रू द 4 ohm रेजिस्टेंस इज 1 ampere व्हेन द पॉइंट्स पी एंड एम आर कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन, एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा है। यहां पर अगर आप देखें तो अगर यहां वी लगा देंगे तो इस वी का रीडिंग कितना होगा, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत हद सवाल, मतलब आसान सा लेकिन कंफ्यूज करने के लिए बस इस तरह से दिया हुआ है। तरीका अगर पता होगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो बहुत आसानी से मचा के कर लोगे इसको, ठीक है जी, राइट। देखो यहां पर है ना, कर रहे हो, पेन और पेपर है हाथ में, चल रहा है, कमेंट में लिखते जाना कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट में लिखते जाना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखते जाना कि भैया ये सीरीज कंटिन्यू रखिए इस तरह की, इट विल हेल्पिंग अ लॉट बच्चा, ठीक है। तो कितनी आपको मदद कर रही है, आपके प्यार के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, ब्यूटीफुल हार्ट्स एंड चॉकलेट्स के साथ, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बच्चा यहां पर करंट आपको बोला है कि सर 1 ampere होगा,
किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट पता चल गया तो उस पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस, उस पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस मुझे क्या पता चल जाएगा, पोटेंशियल पता चल जाएगा। एंड कैन यू सी दैट के सर पोटेंशियल यहां पर कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। वी इज इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट, V is equals to IR का concept, yes or no? तो अब अगर आप यहां पर देखोगे सर तो V is equals to IR के concept से यहां पर अगर 4 volt है तो वही 4 volt 3 के across भी होना चाहिए क्योंकि parallel grouping में है। और अगर ये parallel grouping में है तो और इस branch में तो कोई है नहीं, मतलब total potential अगर आप यहां पर देखेंगे across this तो वो हो जाएगा सर 4 volt। कितना हो जाएगा सर, across M and P, total potential across M and P कितना हो जाएगा, 4। अब एक बात बताओ, ये जो 4 volt है वो यहां पर इसमें और इसमें डिवाइड होगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा सर, ये दोनों 0.5 मिलकर हो जाएंगे सर, दिस विल बिकम 0.25, ठीक है, क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग में है, पैरेलल ग्रुपिंग में है, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 0.25 आएगा और ये 1 हो गया बच्चा। तो इसके अक्रॉस है ना, इस वाले को मान लीजिए V1 बोल देते हैं और इस वाले को मान लीजिए क्या बोल देते हैं बच्चा, V2, है ना, ध्यान से सुनना, इसको बोल दिया V1 और इसको बोल दिया V2। तो यहां आपको एक बात पता है कि सर ये दोनों तो सीरीज में ही लगे हुए हैं भाई, ये वाला 1 ओम और इन दोनों का जो पैरेलल ग्रुपिंग का सॉल्यूशन 0.25 बनेगा, ये तो सीरीज में है ना। सो आपको पता है कि सर V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में I आपका कांस्टेंट होता है बच्चा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। मतलब आप लिखेंगे सर V1 डिवाइडेड बाय V2 तो वो हो जाएगा सर आपका R1 डिवाइडेड बाय R2। R1 मतलब 1 हो जाएगा बच्चा, R1 मतलब 1 हो जाएगा और R2 का मतलब आप यहां पर बोलेंगे सर वो ये वाला रेजिस्टेंस, दैट इज कितना हो जाएगा बच्चा 0.25। तो आप यहां पर बनाएंगे सर, सो दैट कम्स आउट टू बी 4:1 बच्चा, कितना हो जाएगा 4:1। सो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज 4:1, मतलब अगर आप यहां पर इन दोनों को सम टोटल करोगे तो कितने हिस्से बनेंगे पता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भाई, बनेंगे 4 और 1 5 हिस्से। तो जो टोटल पोटेंशियल आपके पास है बच्चा 4 वोल्ट, इसके कितने हिस्से करने हैं, इसके 5 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करोगे बच्चा, 5 बराबर बराबर हिस्से, 5 बराबर हिस्से मतलब 4/5, 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5 के बराबर बराबर, 4/5 के बराबर बराबर 4 हिस्से कहां जाएंगे बच्चा, 4 हिस्से जाएंगे V1 के पास। V1 के पास कितने होंगे, 4 हिस्से और एक हिस्सा किसके पास होगा, V2 के पास। 4 हिस्से मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलेंगे सर V1 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4, 16/5 अगर आप करेंगे बच्चा दैट कम्स आउट टू बी 3.2, 16/5 कम्स आउट टू बी बच्चा 3.2 वोल्ट। अंडरस्टूड कि नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ट्रिक यूज करेंगे और यहां पर रेशियो जनरेट करेंगे, रेशियो में जो नंबर्स आएंगे उतने इक्वल फ्रैक्शन में टोटल वोल्टेज डिवाइड होना चाहिए, फिर देख लो कौन किसके साथ प्रोपोर्शनलिटी में है। V1 के साथ कौन है बच्चा, ऊपर 4 है, V2 के साथ नीचे कौन है बच्चा, 1 है। सो V1 के 4 हिस्से होने चाहिए, 4 हिस्से V1 को दे दो और V2 के पास केवल एक हिस्सा बचेगा, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस P और N क्या होगा बच्चा, केवल 1 यहां पर हो जाएगा, 5/4, 4/5 मतलब 0.8 यहां पर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। यह भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, है ना, यह भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इट कम्स फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड मैटर बच्चा, ठीक है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आता है। A uniform coil of self inductance 1.8×10⁻⁴ and resistance 6 ohm is broken into two identical coils. Broken, तोड़ी गई है, कट करी गई है, ध्यान रखना, खींचा नहीं है, कॉम्प्रेस नहीं किया है। फंडे समझने की कोशिश करना बच्चा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था आप लोगों को कि कॉइल को खींचना और कॉम्प्रेस करना तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होता है, बट यहां पर ब्रोकन मतलब कट किया गया, तोड़ा गया। These two coils are then connected in parallel across a 12 volt battery. The circuit time constant and steady state current through the battery respectively are. देखो, एक सो आपसे पूछा है स्टडी स्टेट करंट और एक आपसे पूछा है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की अगर हम बात करें LR सर्किट की बच्चा, तो उसको हम डिफाइन करते हैं सर, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R। चलिए अब आपको बताता हूं, ये तो फॉर्मूला हुआ, ये तो हुआ फॉर्मूला, लेकिन अब इसका उपयोग कैसा है। जब आपके पास एक कॉइल थी लाइक दिस एंड द कॉइल हैज अ पर्टिकुलर लेंथ आपका L, यहां पर आप बोलेंगे सर इंडक्टेंस और आप यहां पर बोलेंगे सर इसका रेजिस्टेंस R। जब आप इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जब आप इसे टुकड़ों में तोड़ेंगे
ये और ये दो टुकड़े आपको इस तरह से मिलते हैं बच्चा, हाफ हाफ, ठीक है, इज ब्रोकन इंटू टू इक्वल पार्ट्स, यही कहा गया है, ठीक है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स। तो यहां पर इसका इंडक्टेंस हो जाएगा बच्चा एल बाय टू, रजिस्टेंस हो जाएगा सर आपका आर बाय टू, इसका इंडक्टेंस हो जाएगा बच्चा एल बाय टू, रजिस्टेंस हो जाएगा बच्चा आर बाय टू। आपको बहुत अच्छे से बताया सर कि जो इंडक्टेंस है और जो रजिस्टेंस है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होंगे। सो अगर आपने लेंथ को हाफ कर दिया सो इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। अब इन दोनों कॉइल्स को आपने क्या किया, पैरेलल कनेक्ट किया, पैरेलल कनेक्ट किया तो दोनों कॉइल प्योर कॉइल नहीं है बच्चा, मतलब कॉइल अगर प्योर होती तो केवल इंडक्टेंस होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन यहां पर इंडक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो यू कैन से वन थिंग लाइक दैट, मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखना, ये कुछ इस तरह का सर्किट बन सकता है कि यहां पर एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस एल बाय टू है और उसके साथ अटैच्ड एक रेजिस्टेंस है बच्चा जिसका रेजिस्टेंस आर बाय टू है, और साथ ही साथ इसको पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे, फिर से एक और कॉइल जिसका इंडक्टेंस एल बाय टू है और उसके साथ जो रेजिस्टेंस होगा वो आर बाय टू होगा, और इनकी ग्रुपिंग पैरेलल है बच्चा विद अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 12, कितना बच्चा, विद अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। तो कुल मिलाकर अगर आपको चाहिए टाइम कांस्टेंट बच्चा, तो टाइम कांस्टेंट जैसे एल बाय आर होता, अगर सर्किट में एक लेंथ होता, एक अगर इंडक्टेंस होता और अगर एक ही रेजिस्टेंस होता तो टाउ का वैल्यू एल बाय आर लिखते, बट हियर इन दिस सर्किट वी हैव टू इंडक्टेंसेस एंड टू रेजिस्टेंसेज बच्चा, तो आपको यहां पर इक्विवेलेंट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। इक्विवेलेंट कैलकुलेशंस का मतलब क्या है, तो आप यहां पर लिखेंगे सर जो टाउ होगा रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, आप लिखेंगे सर एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, आप यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा आर इक्विवेलेंट। देखकर स्पष्ट है यार, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, समझो जरा बात को, ये दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, तो आप यहां पर लिखेंगे सर ये हो जाएगा एल बाय टू का हाफ मतलब एल बाय फोर, और ये हो जाएगा सर आपका कितना, तो आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस का एल बाय टू मतलब रेजिस्टेंस का आर बाय टू, मतलब ये हो जाएगा सर आपका आर बाय फोर, आर बाय टू का आर बाय फोर, आर बाय फोर आर बाय फोर कैंसिल आउट करेंगे तो बेसिकली दैट कम्स आउट टू बी टाइम कॉन्स्टेंट आपका सीधा सीधा एल बाय आर आ जाएगा। एल आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है बच्चा, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 30 माइक्रो सेकेंड्स, कितना आ जाएगा बच्चा 30 माइक्रो सेकेंड्स। रही बात करंट की, स्टडी करंट की, स्टडी करंट का मतलब है कि जब आपके इंडक्टर विल बिहेव जस्ट लाइक अ वायर बच्चा, इंडक्टर कैसे बिहेव करेंगे जस्ट लाइक अ वायर, मतलब इस सर्किट में केवल ऊपर आर बाय टू बचेगा, नीचे आर बाय टू बचेगा, और वो भी कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, आर बाय टू का पैरेलल मतलब आर बाय फोर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप करंट की बात करेंगे तो करंट हो जाएगा बच्चा 12 डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे सर आर बाय फोर, चार ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो बार चौक हो जाएगा बच्चा 48 एंड डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे सर रेजिस्टेंस 6, तो ये हो जाएगा सर जमा 8 करेंगे, सो 8 एम्पियर विल बी द करंट बच्चा, ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं सब लोगों को, क्लियर है बच्चा, हमने कॉन्सेप्ट जो समझा है उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन किया है। अगर मैं पहले ही एल का वैल्यू रख देता यहां पर और फिर उसके बाद में कैलकुलेशंस करता तो ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ हो जाता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉन्सेप्चुअली एल आर था, कट किया एल बाय टू आर बाय टू, एल बाय टू आर बाय टू, जो मुझे कहा गया थोड़ा समझ लगाकर डायग्राम बना लिया, उसके बाद में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया बच्चा, दोनों के इक्विवेलेंट जो है यहां पर पैरेलल, और पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है सीरीज में और पैरेलल में हम क्या लगाते हैं, वही फॉर्मूला हमने लगाया, क्वेश्चन सॉल्व किया, विल गेट द रिजल्ट राइट। दूसरी बात थी सर स्टेडी स्टेट करंट का कॉन्सेप्ट, इसमें स्टेडी स्टेट करंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चा कि जब भी एलआर सर्किट होगा और आप स्टेडी स्टेट करंट की बात करेंगे तो जो इंडक्टर कॉइल्स हैं वो एक तरह से वायर की तरह बिहेव करेगी, कैसे बिहेव करेगी बच्चा, एक तरह से वायर की तरह बिहेव करेगी, तो केवल और केवल ऊपर आर बाय टू रेजिस्टेंस होगा और नीचे आर बाय टू रेजिस्टेंस होगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर होंगी, अंडरस्टूड। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक और सवाल, ये बहुत प्यारा सवाल है यार, एंड आई एम श्योर कि आप पहली बार पहली दफे इस सवाल को देख रहे होंगे। क्वेश्चन इज, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा, एट एन एंगल अल्फा, यार एट एन एंगल अल्फा है, दिस विल बी एट एन एंगल अल्फा ऑन द बाउंड्री सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एंड इट रिफ्लेक्ट्स व्हेन द एंगल इज इंक्रीज्ड, है ना, यहां पर व्हेन द एंगल अल्फा होगा बच्चा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं कर दे रहा हूं सही, व्हेन द एंगल अल्फा इज इंक्रीज्ड वेरी स्लाइटली द रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसका मतलब अल्फा क्रिटिकल एंगल है, इसका मतलब अल्फा क्रिटिकल एंगल है, द रे सफर्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ डेविएशन इन द टू केसेस इज नियरली राइट, द फंडा इज, फंडा बहुत आसान होगा बच्चा, केसेस बना लेते हैं और केसेस के साथ ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर आपने लिया, ठीक है सर, अगर ये आपका एंगल है,
दिस एंगल इज अल्फा, एंड अगर इसको जरा भी थोड़ा भी बढ़ा दिया, अगर हमने इसको थोड़ा भी बढ़ाया तो ये क्या करेगा, ये सफर करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब करस्पॉन्डिंग टू दिस इंसिडेंट सिस्टम आप यहां पर बोलेंगे सर रिफ्रेक्टेड रेज आपका इधर जाएगा, मतलब आपका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इस रे को इस तरफ ऐसे आगे बढ़ा देंगे, है ना, इस रे को अगर आप आगे बढ़ाएंगे ऐसे, सो मेरे ख्याल से ये वाला होना चाहिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन इन द फर्स्ट केस डेल्टा वन। अंडरस्टूड और नॉट? यहां पर रे आपकी जा रही है, ये इंसिडेंट थी, डैश डैश लाइन के अलोंग जानी चाहिए थी, बट ये जा रही है कहीं और, तो डेल्टा वन की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो डेल्टा वन आपको समझ में आ जाएगा सर 180 में से, टोटल 180 में से आप माइनस करेंगे 90 प्लस अल्फा को, बच्चा किसको माइनस करेंगे बच्चा आप यहां पर 90 प्लस अल्फा को, सो आपको पता चलेगा सर डेल्टा वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 90, में सीधे लिख दूं बच्चों, सीधे लिख दो चलेगा, तो ये हो जाएगा सर 90 माइनस अल्फा, ये आया आपका पहला एंगल डेल्टा वन 90 माइनस अल्फा। फिर केस उसने ये कहा कि जब आप इसको थोड़ा भी, अगर आप इसको क्या करते हैं सर थोड़ा भी मान लीजिए एंगल इंक्रीज कर देते हैं वेरी स्लाइटली, स्लाइटली इसलिए कहा गया क्योंकि हम नियर अबाउट इसको भी अल्फा ही लेकर चलेंगे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब जितने पर इंसिडेंट किया उतने पर रिफ्लेक्ट होगा, तो अगर आप यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे केस टू में डेल्टा टू, सो दैट कम्स आउट टू बी 180 माइनस 2 अल्फा, बच्चा क्या पूछा यहां पर आपको 180 माइनस 2 अल्फा। अब आपसे क्वेश्चन, अच्छा आप कोई ये कहेगा कि सर ये भी अल्फा कैसे, अल्फा पे तो फिर सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बननी चाहिए थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 होना चाहिए था, आपने यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा कैसे ले लिया, फंडा इज वेरी स्लाइटली, क्या बोला बच्चा वेरी स्लाइटली, मतलब जो चेंज आपने किया ना थोड़ा सा जो रोटेशन है, थोड़ा सा जो रोटेशन उसको नेग्लेक्ट कर दिया, बेसिकली ऑब्वियस बात है यहां पर एंगल आपका 45 अगर होगा तो यहां पर 45 से थोड़ा ज्यादा 45.1 डिग्री काइंड ऑफ दैट, ठीक है बच्चा। सो इन दोनों के बीच में पूछा, देन द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ डेविएशन इन द टू केसेस इज नियरली, तो इनके बीच में अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे बच्चा, तो आपको समझ में आ रही होगी कि सर दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 90 माइनस अल्फा, इसमें से उठाकर इसको माइनस कर दो, इसमें से उठाकर इसको माइनस कर दो, तो जब आप माइनस करोगे डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन बच्चा, डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, तो आपको पता चल जाएगा कि सर 180 माइनस 2 अल्फा माइनस हो जाएगा सर आपका 90 माइनस अल्फा, सो ये बचेगा सर कितना आपका 90 माइनस अल्फा, दैट्स इट, ठीक है आई बात समझ में, तो करेक्ट ऑप्शन इज वेरी फर्स्ट वाला, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत सड़ा सा आया, ये बहुत सड़ा है ना, लेकिन थोड़ा सा मजे करने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बीच में थोड़ा सा आसान और हल्का सा, राइट, अ वर्नियर कैलिपर विथ लीस्ट काउंट 0.1 mm हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, द मेन स्केल डिविजन्स आर ऑफ, मेन स्केल डिविजन्स कितने के होंगे। चलिए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हियर, इट इज नॉट मेंशनड अबाउट वन थिंग, दैट इज मेन स्केल डिविजन्स कितने होंगे, है ना, मेन स्केल डिविजन्स का नंबर विच आर गोइंग टू कॉइंसाइड विद द वर्नियर स्केल डिविजन्स दैट इज नॉट मेंशन, बट एक चीज आपको पता है ना सर कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था आप सब लोगों को, वन माइनस क्या होता है बच्चा m डिवाइडेड बाय n होता है, दिस इज नंबर ऑफ क्या होता है बच्चा मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है, और ये क्या होता है दिस इज नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन, और जब लिस्ट काउंट का वैल्यू 0.1 mm होता है तो बड़ी आसानी से आप एक बात बोल पाएंगे कि सर जी यहां पर जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है m का, दैट शुड बी कंसिडर्ड टू बी 19, है ना, तभी वो पॉसिबल है अदरवाइज नहीं, सो आप यहां पर बोलेंगे और, तो अगर आप यहां पर लिखेंगे सर अगर n का वैल्यू कैपिटल n है तो m का वैल्यू n माइनस 1 होना चाहिए, स्टैंडर्ड है बच्चा, ये क्या है, इफ नथिंग इज मेंशन देन हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, सो इफ n इज इक्वल टू कैपिटल n देन स्मॉल m इज इक्वल टू n माइनस 1 बच्चा, तो लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला यहां पर उस तरह से बनता है कि सर दैट विल बिकम x डिवाइडेड बाय यहां पर n बच्चा, n इज व्हाट, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा सर, वर्नियर स्केल डिविजन, सो x मतलब मेन स्केल डिविजन का वैल्यू, द मेन स्केल डिविजन आर ऑफ कितना वैल्यू होगा, सो एक्स इज इक्वल टू आप बोलेंगे सर लिस्ट काउंट 0.1 हो जाएगा, एन का वैल्यू 20 होगा, सॉल्व करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 2 mm, एवरीवन यस और नो, अंडरस्टूड, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बच्चा, ऑप्शन डी इज देयर, समझ में आई बात, अगर आपको नहीं पता है कि सर m का वैल्यू क्या है, वैसे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें m का वैल्यू 16 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, इट मे हैव एनी वैल्यू विच इज लेसर देन n बच्चा, ठीक है,
सो उस केस में आपको यहां पर कंसिडर अगर नहीं कुछ दिया है तो विल कंसिडर दिस स्टैंडर्ड केस बच्चा, ये स्टैंडर्ड केस हम कंसिडर करेंगे जिसमें n का वैल्यू n होगा और m का वैल्यू n माइनस वन होगा। अगर आप पुट करेंगे बच्चा, अगर ये वैल्यूज आप यहां पर पुट करेंगे यू विल गेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट बच्चा, ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा और इस रिजल्ट में अगर आप वैल्यूज पुट अप करेंगे विल गेट द रिजल्ट। अंडरस्टूड? चलिए एक लास्ट सवाल और फटाफट फिर आपसे अलविदा लेते हैं बच्चा, राइट जी। चलिए फटाफट पढ़िएगा, अ सिस्टम ऑफ बाइनरी स्टार्स ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी, ऐसा ले लेते बच्चा एम ए एंड एम बी, ठीक है, आर मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी, रेडियाई ये थोड़ा सा सफिक्स में है आर ए और ये होगा बच्चा आपका आर बी रेस्पेक्टिवली, इफ टी ए एंड टी बी, बच्चा ये क्या हो जाएंगे सर, इफ टी ए एंड टी बी आर द टाइम पीरियड्स ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी रेस्पेक्टिवली देन, सारे वो सफिक्स में है ना एम ए एम बी और इस तरह से। चलिए पहली बात पूछा बाइनरी स्टार्स, बाइनरी स्टार्स का मतलब होता है सपोज अगर ये सेंटर है ना, इस तरह से दो गोले बनाकर वो आपस में घूमते हैं, ये दो गोले बना लो ठीक है बच्चा, तो यहां पर हो गया आपका सेंटर, एक स्टार आपका यहां पर होगा, वन स्टार इज हियर लेट अस सपोज दैट एम ए एंड अनदर स्टार इज समवेयर हियर बच्चा यहां पर दैट इज आपका एम बी, ठीक है, दिस इज रेडियस आपका कितना हो जाएगा सर आपका आर बी और ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा सर आपका आर ए, ठीक है कि नहीं, इन दोनों के बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी आर। तो फंडा बहुत आसान है, आपसे पूछा है टाइम पीरियड्स, रेशियो किसका पूछा है, रिलेशन टाइम पीरियड्स का क्या होगा, किसी भी स्टार का टाइम जो होता है बच्चा टाइम पीरियड होता है सर 2 पाई उसका रेडियस आर डिवाइडेड बाय, आप यहां पर क्या लिखेंगे सर है ना 2 पाई स्मॉल आर ले लेते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, अदरवाइज पता चला आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेसिक सी चीजों से। सो द फंडा इज वेरी सिंपल, दिस इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे सर स्पीड विथ विच द पार्टिकल इज रोटेटिंग, ठीक है, किसी न किसी स्पीड से ऐसे जा रहे होंगे और वह स्पीड निकालने का फंडा बहुत आसान है। देखो एक तो बात यह होगी कि सर ये दे आर मूविंग अंडर देयर ओन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको खींच रहा है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ओवर द सिस्टम, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेम जगह पर होना चाहिए, मतलब आप यहां पर बोलेंगे सर सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर मास मोमेंट जो है दोनों के मास मोमेंट ऑफ स्टार वन शुड बी इक्वल टू मास मोमेंट ऑफ स्टार टू एंड मास मोमेंट का मतलब है बच्चा कि सर आप लिखेंगे सर एम ए आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा आपका एम बी और आप यहां पर लिखेंगे सर आर बी, एक इक्वेशन नंबर वन ये बना लीजिए। दूसरी इक्वेशन अगर आप यहां पर लिखेंगे बच्चा तो इनका जो रोटेशन है इनको रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा सर वो हो जाएगा एम ए और आप यहां पर बोलेंगे सर वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे सर आर ए, ठीक है, इसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा सर दैट विल भी हो जाएगा सर आपका एम बी, ये हो जाएगा सर वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप यहां पर लिखेंगे सर आर बी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस किससे होगा बच्चा आपका बैलेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो आप लिखेंगे सर जी एम ए एम बी डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे सर आर स्क्वायर, जहां पर आप आर को क्या लिखेंगे आर इज आपका आर वन प्लस आर टू है, थोड़ा कैलकुलेशन में लंबा जाएगा ये बट अच्छा सवाल है, आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा आर वन प्लस आर टू, देखो जरा यहां पर मैंने लिखा हुआ है डायग्राम में और दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा आपका एम ए वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप यहां पर क्या लिखेंगे सर आपका आर ए इज इक्वल टू ये होना चाहिए बच्चा आपका एम बी वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका आर बी, टाइम पीरियड जो होगा टी ए का वो हो जाएगा सर आपका 2 पाई आर ए डिवाइडेड बाय वी ए, एक अच्छा सवाल है बच्चा, एंड टाइम पीरियड जो टी बी होगा वो हो जाएगा सर आपका 2 पाई यहां पर आप बोलेंगे सर आर बी डिवाइडेड बाय क्या होगा सर वी बी, इस रिलेशन से आप वी ए वी बी कैलकुलेट करो, ऊपर वाले रिलेशन से आप आर ए आर बी का रिलेशन बनाओ, जब यहां पर आप पुटअप करोगे यू विल फाउंड दैट बच्चा ऑप्शन डी मैच करेगा, टाइम पीरियड दोनों बाइनरी सिस्टम का क्या होगा बच्चा बाइनरी स्टार्स का टाइम पीरियड सेम होगा, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से अगर यहां पर रोटेट करना चालू करेगा और मान लो 24 आवर्स में यहां पर वापस आएगा तो ये भी 24 आवर्स में वापस वहां आ जाएगा, दैट इज द सिंपल सा फंडा दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चा। वैसे भी आप अगर ये देखो यार दे आर मूविंग अंडर देयर ओन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, तो दोनों को सेम टाइम पर सेम जगह पर वापस आना ही पड़ेगा, अदरवाइज उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द सिंपल सा फंडा, आई होप यू एंजॉय द क्लास, आपको मजा आया बच्चा और आपने काफी सारी चीजें सीखी है, टाइमिंग्स आपको पता ही है राइट जी, और उसी के साथ साथ आप बाकी सारी चीजें भी जानते हैं बच्चा, सो लेट्स क्रैक इट, और क्रैक करने के लिए अकेडमी नीट के परिवार का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि मेजॉरिटी ऑफ जनता तक आप सेशन को पहुंचा सके, ठीक है, और उसी के साथ साथ ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा दैट इज इफ यू वॉन्ट टू
सब्सक्राइब फॉर दन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बच्चा, देन यूज कोड एम एस लाइव, यू विल गेट इमीडिएटली 10% ऑफ और पूरे फिजिक्स की जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी। नो एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं करना, बस क्लास में आना है, पढ़ना है, मजे करना है, एंजॉय करना है, ठीक है जी। चलिए सो अलविदा लेते हैं बच्चा, एंड दैट्स द सिंपल सा फंडा, राइट, बाय बाय गाइज। तो आई होप यू एंजॉय और आपको मजा आया। चलिए जी, सो अलविदा, आप सभी लोगों ने मेरी बात को बहुत शांति से सुना और आप लोगों ने एंजॉय किया, पेन और पेपर पर लेकर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बताइएगा जरा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चंस आपने इन टोटल 10-12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, ठीक है। रैंक बूस्टर क्वेश्चंस थे बच्चा, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, सो लेट मी नो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही और कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए, हाउ मेनी मार्क्स यू अर्न, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।